खबर प्रयागराज जनपद से, जहां उतराव थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद बाजार से सोमवार को बस सेवा शुरू की गई, जिससे बाजार वासियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। धुनुपुर वार्ड नंबर 2 के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि संजीव भाटिया के प्रयास से सोमवार को मोहम्मदाबाद बाजार से बस सेवा शुरू की गई। इस अवसर पर संजीव ने फीता काटकर बस सेवा शुरू की। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। बस सेवा शुरू होने से दर्जनों गांव के लोगों को शहर आवागमन में सुविधा होगी। बस सेवा मोहम्मदाबाद बाजार से बलीपुर बाजार, फिर सहसों से शहर जाने की सुविधा मिलेगी। मोहम्मदाबाद के पूर्व प्रधान उदयराज पटेल, अधिवक्ता राकेश पटेल, केशव पटेल, नियाज सुरेश पटेल, भोला केसरवानी, उमेश पाल आदि ग्रामीणों ने खुशी जताई है। जी आदरणीय, आप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि धनुपुर वार्ड नंबर 2, आपको यह पूरा क्षेत्र जानता है। आज आपके क्षेत्र में मोहम्मदाबाद से इलाहाबाद के लिए यह महानगर बस सेवा चली, जिसमें आपका बहुत ही अथक प्रयास रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जी, यह हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने अदृश्य मानसिक आशीर्वाद जो सौंपा है, हमारा अथक प्रयास रहा, आप लोगों का अदृश्य मानसिक आशीर्वाद रहा, सफलता मिली, हमारे क्षेत्र की एक उपलब्धि है। लोगों को हम प्रयागराज शहर से, संगम की नगरी है हमारी, दूरांचल से हम लोग ग्रामीणांचल में रहने वाले लोग हैं। कम से कम दूरी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। आवागमन में हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलेगी। हम महानगर प्रबंधक को, SSI को, महानगर सेवा के केलाल सरोज जी को, सभा जी को, श्री खरवार जी साहब को और जोगिंदर साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत सदस्य जी। मैं आपका नाम और आपका पता जानना चाहूँगा। आज आपके क्षेत्र में महानगर बस सेवा चली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? या हम इस गांव के निवासी हैं, मोहम्मद नियाज जी, और ये बस चली है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ जो है इलाहाबाद आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो जो है ये हमारे संजीव भाई हैं, जो है जिला पंचायत सदस्य, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, उनके कार्य से जो है ये चालू हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव वासियों के लिए जो है बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। चला निकाल अब गा भरे जबकि लगा देखा मोबाइल है ना जा। वहीं हंडिया में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों से थौंस देकर एक विद्युत कर्मी के द्वारा जमकर वसूली की जा रही है। लोगों का आरोप है कि अधिक बिल आने की थौंस देकर वसूली कर रहा है। फूलपुर थाना क्षेत्र के ज्वालापुर गांव में दर्जनों लोग विद्युत कनेक्शन किए हैं। आरोप है कि एक विद्युत कर्मी हर सप्ताह लोगों के पास पहुंचकर अधिक बिल आने की बात कह लोगों से वसूली कर रहा है, पैसा न देने पर परेशान कर रहा है। उक्त कर्मचारी के द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि ज्यादा बिल आया है, कुछ दे दो तो माफ कर दूंगा। लोगों की शिकायत पर मीडिया कर्मी जब सोमवार को ज्वालापुर गांव पहुंचे तो और उक्त कर्मचारी से पता पूछने लगा तो वह भाग निकला। हंडिया से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम क्या है आपका? क्या कर रहे हैं आप? अरे बताइए ना, नाम क्या है? नहीं करें, क्या करेंगे आप? नाम बताइए आप। नहीं।